जमान जब तो बीजेपी ज्वाइन कर ली तुम लोगों ने, पैर पकड़ लिए जाके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तलवे चाट रहे उनके। पहले गहलोत के तलवे चाटते थे, अब तुम पहले वसुंधरा के चाटते थे, अब तुमने कह दिया गहलोत गंदा है, अब भजन लाल के चाट रहे हो, कभी किसी और के चाट रहे हो, कभी धनखड़ के चाट रहे हो। ऐसी बातें ये इसलिए कर रहे हैं कि इसका मानसिक दिवालियापन हो गया है, इसका दिमाग हिला हुआ है। ये मेरे को लगता है ये कुछ ना कुछ इस तरीके का नशा भी कर रहा है, जो एलबीएल बोलता है इसको खुद को पता ही नहीं है। इनको तकलीफ इस बात की है कि नया आदमी लड़ाई क्यों लड़ रहा है, इसने पार्टी क्यों बनाई, ये इनके अवैध धंधों के अंदर शामिल क्यों नहीं है, ये इनकी तरह क्यों नहीं है। अब समाज, अरे तुम बच्चे समाज में नहीं दे रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि इतने निकम्मे नकारा हो तुम लोग। जमान जब तो बीजेपी ज्वाइन कर ली तुम लोगों ने, पैर पकड़ लिए जाके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तलवे चाट रहे उनके। पहले गहलोत के तलवे चाटते थे, अब तुम पहले वसुंधरा के चाटते थे, अब तुमने कह दिया गहलोत गंदा है, अब भजन लाल के चाट रहे हो, कभी किसी और के चाट रहे हो, कभी धनखड़ के चाट रहे हो। तो धनखड़ नेता है क्या जाट समाज का, जो धनखड़ वोट दिला देगा? सरपंच नहीं बन सकता जगदीप धनखड़, जानता हूं मैं कितने वोट है धनखड़ के पास, ये झुंझुनू का है बता देंगे। जगदीप धनखड़ पंच चुनाव लड़कर बन सकता है? यहाँ कोई कुछ भी नहीं चलने वाला, यहाँ सब लोगों ने संघर्ष देखा है, मुझे लड़ते हुए देखा है, मुझे सत्ता को ठोकर मारते हुए देखा है। उस वसुंधरा राजा के सामने जब सारे लोग जमीन पे पड़ गए थे, वसुंधरा के पैरों में पड़े हुए थे, उस वक्त हनुमान बेनीवाल इस कौम की लड़ाई लड़ रहा था, उस कौम को आगे बढ़ाने का काम किया, दिल्ली तक आपका सम्मान बढ़ाया। भाइयों भूलो मत कि किसान आंदोलन में सत्ता मैंने छोड़ी थी। इसने एक चर्चा और करी कि डीजीपी के मैटर पे लेके कि मेरे पैर पकड़े और मैंने डीजीपी बनवाया, और तूने इसने ये कहा कि दिव्य मदेरणा की माँ मेरे पैर पड़ गई तो मैंने उसको एमएलए बना दिया। तेरा काम बनाना नहीं है, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं, तेरा काम हराना है, लोगों को खड़ा करके जाटों को लड़ा के हरा सकता है। दिव्य मदेरणा को भी हराया, ज्योति मिर्जा को भी हराया, और बहुत से लोग हराए, मैं 10-20 आदमी नाम गिना सकता हूँ, लेकिन बनाना तेरे बस की बात नहीं। ऐसी बातें ये इसलिए कर रहे हैं कि इसका मानसिक दिवालियापन हो गया है, इसका दिमाग हिला हुआ है। ये मेरे को लगता है ये कुछ ना कुछ इस तरीके का नशा भी कर रहा है, जो एलबीएल बोलता है इसको खुद को पता ही नहीं है। ये आपके परिवार का नहीं हुआ, इसने एक बारी मेरे को ये कहा, ये परिवार की बात करता है ना, तो परिवार की बात पे आऊंगा तो आपको मैंने आज तक कभी नहीं बोला। इसने एक दिन मेरे को ये कहा कि मेरा बाप नहीं मर रहा है, मर जाए तो मैं एमएलए बन जाऊंगा, इससे बुरी बात हो सकती है। इसने समाज की बात करी, समाज में इसी की वजह से इसके गांव में 302 का केस हुआ, उसमें इनके भाई तो जेल में रहे, कई सालों तक रहे, और ये खुद जोड़ तोड़ करके जेल में रहा, हॉस्पिटल में रहा, फिर जमानत करा ली। इसकी वजह से भाई इसके दो जेल में रहे, एक की जेल में डेथ होगी, दूसरा बाहर निकला, निकलने के बाद में डेथ होगी। उसकी घरवाली जो थी उसकी बहुत कम उम्र थी, एक शायद बच्ची थी उसके। समाज की हमारे की रीति रिवाज ये है इस तरीके का। मैंने इससे बात करी, इसको उदाहरण भी दिया कि सिक्कर का एक जाकर परिवार है, बड़े बड़े भाई की जो पत्नी थी उसके उसको रखा, आज वो पोते पोतियों वाले हैं। ये जोर लगाया मैंने, ये नहीं माना, मैंने कहा तू शादी मत कर, इसकी जिंदगी बर्बाद मत कर, इसको रोड पे मत छोड़, और उसने वो किया। तो ये परिवार का ही नहीं है तो क्या परिवार की बात करेगा। किसी को लग रहा हो कि हनुमान बेनीवाल मेरा सगा है, ये किसी का सगा नहीं है। जो इसको मोड़ों पर उठाए फिरते थे उन्हीं के झापड़ मार देता है। ये इसका दिमाग हिल गया, ये बौखलाया हुआ है, और अब तो बुरी तरह बौखलाया हुआ है कि मेरी बात को लेकर के जिस तरीके की इसने बकवास करी तो दिवालियापन से कम कुछ नहीं। मैंने तो बात करी या मैं गया या कहा, तो उसमें बुराई क्या है? मेरा वीडियो है, वो भी तुम देख लो ना, क्या क्या वीडियो मेरा।